हेलो गाइस, माय नेम इज तरुण कुमार और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। इस लेक्चर में हम देखेंगे, देखिए ये मेरा कंप्रेशन मेंबर का 5 लेक्चर है। अगर 4 लेक्चर आपने मेरा नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, उसमें मेरा लिंक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाया करो और एंड शेयर करे करो। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइबर ना किया तो सब्सक्राइबर कर दें, बेल आइकन को दबा दें और सिविल इंजीनियर स्टडी पर जाकर इसको लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका टाइम ना लेके सीधा चलता है क्या लेकर चलता हूँ न्यूमेरिकल पे। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, एक छत कैंची के लिए असद संभुजीय कोणीय खंड का विकल्पन कीजिए। ये बोल रहा है, ये देखिए दोस्तों, एक छत यानी कि ए रूप ट्रस। ओके, इसका हमें क्या करना है, संभुजीय कोणीय खंड यानी कि इसमें रॉयल सेक्शन दे रखा है उसका विकल्पन करना है। ये रॉयल कोणीय खंड जो है, ये रॉयल सेक्शन आपको इसकी जो वो है स्ट्रेस वगैरह वो आपको मिलेगा टेबल में से, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ओके, तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, जो 1.75 मीटर लॉन्ग है। ओके, मतलब बड़ी है और इस पर 100 किलो न्यूटन का भार वहन करता है, मतलब एक्सल लोड आ रहा है। ओके, सिरों पर एक एक रिबिट से जोड़ा गया है, मतलब इसके जो सिरे हैं उसको एक एक रिबिट से जोड़ा गया है। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी गजट प्लेट जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, और ये आपकी क्लिट प्लेट। ओके, ये देखिए दोस्तों, इस पर एक एक रिबिट, ये आ रहा एक एक रिबिट। ओके, इसको थोड़ा सा हम इसको हैचिंग कर लेंगे जिससे कि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें हमें लोड कितना दे रखा है, लोड दे रखा है आपको एरिया 100 किलो न्यूटन का, और इसमें इफेक्टिव लेंथ क्या दे रखी है आपको। ये देखिए दोस्तों, इफेक्टिव लेंथ 1.75 मीटर। ओके दोस्तों इसमें आपको कंडीशन नहीं दे रखी कोई भी। ओके, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में कंडीशन दे रखी थी टेबल में से छाटने के लिए, बट इसमें नहीं दे रखी आपको, इसलिए आपको ऐसे सिंपली लेकर चलना है। ओके, जहाँ आपको दे दे वहाँ आपको लेकर चलना है। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, सिंगली यहाँ एक वो ले लेंगे दोस्तों, एग्जांपल देखिए मैं बताता हूँ आपको, सिंगली एंगल चैनल आर, ये दिखा रहा हूँ मैं, 80 100 किलो न्यूटन। ओके, ये क्या लिया है हमने, ये देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, ये देखिए आपकी ये टेबल है। ओके, तो आपको मैं टेबल दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी टेबल की ओर हम चलते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है दोस्तों, ये देखिए, ये दे रखा है आपको कोणीय खंडों के लिए 80 MPa और IR यानी कि इसको बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, इसको दे रखा है 100 लगभग मीन 100 ही लेते हैं। ओके, अगर दोस्तों आपको एक RSJ के लिए दे देता सेक्शन के लिए तो इसमें 100 और स्लेंडरनेस रेशियो का मान लेना है 80। ओके, तो चलिए दोस्तों इसमें जो हमें दे रखा है हम वही लेते हैं, यह आपका स्लेंडरनेस रेशियो। ओके, स्लेंडरनेस रेशियो। ओके दोस्तों, और ये दे रखा है आपको दोस्तों स्ट्रेस, जो ये इसके अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, एक ग्रॉस, हम चलते हैं न्यूमेरिक और कल की ओर, एक ग्रॉस
अप्रोक्स। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बता दिया है, आपको याद भी हो गया होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये देखिए, लोड अपॉन स्ट्रेस, आई होप ऐसी मुझे आशा थी। ये देखिए दोस्तों, लोड कितना दे रखा है आपको, अभी मैंने बताया था। ये देखिए दोस्तों, 100 किलो न्यूटन का लोड दे रखा है आपको, 100। इसके आगे 30 लगा देंगे न्यूटन में बदलने के लिए इसको। और स्ट्रेस दे रखा है आपको 80। ओके दोस्तों, 80। अब इसको हम देख लेते हैं हमारा ये कितना आएगा। ये रहा आपका कैलसी, देखिए दोस्तों कितना है, 100 × 30 इक्वल, ये देखिए भागा 80, ये आया आपका 1250। 1250 किसमें है, ये mm स्क्वायर में होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों 1250। अब इसको हम लेके चलते हैं आईएस टेबल में। हाँ दोस्तों, आईएस टेबल से पहले आपको एक प्रोसेस और करना है इसमें। देखिए स्लेंडरनेस रेशियो का, स्लेंडरनेस रेशियो यानी कि तंतुना अनुपात हिंदी में, तो उसका दोस्तों मैंने बताया था ये चिन्ह आपका होता है रैमटा का। ओके, रैमटा, और इसका सूत्र होता है आपका इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम। तो ये देखिए दोस्तों, इफेक्टिव लेंथ कितनी दे रखी है आपको, देखिए 1.75 मीटर। इसको हम उसमें चेंज कर लेंगे 1.75। ओके, और आर मिनिमम कितना दे रखा है आपको, आर मिनिमम दे रखा है आपको, ये देखिए मैंने दिखाया था आपको, स्लेंडरनेस रेशियो को आर मिनिमम से डिनोट करते हैं, ये आपको 100 दे रखा है, देखिए 100। तो ये आ जाएगा आपका, ये देखिए 1.75। ओके, इसको हम 1000 कर देंगे mm में बदलने के लिए। 1750 भागा 100, ये आ गया आपका 17.5। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये जो आया था हमारा, जो मैंने बताया था आपको 1250, इसको हम टेबल में देखते हैं हमें क्या कंडीशन मिलती है, इक्वल की मिलती है या अनइक्वल की मिलती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ये आपकी टेबल। तो देखिए दोस्तों, पहले इक्वल से इक्वल वाली टेबल देख लेते हैं। ये रहा आपको, देखिए ये आपको 14 पेज नंबर मिल जाएगी। ये देखिए एरिया कितना था हमारा, ये देखिए 1500 1250। ओके, ये देखिए दोस्तों 1250 देखने जा रहे हैं हम, 1250 1250। ये देखिए दोस्तों, ये हमको शुरू में मिल गया है, और देखते हैं नीचे 1250 1250। नहीं, और नहीं है, और तो सब ऊपर ही जा रहा है। ये कम वाला ले लेंगे, 1302 वाला। ओके दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये दिखा रखा आपको सेक्शन एरिया 1302। और इसकी जो एंगल सेक्शन है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 70 × 70 × थिकनेस इसकी 10। ओके, और कितने वजन का है, ये है 10.2 वजन का। ओके दोस्तों, इसको हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल कितना है हमारा दोस्तों, ये था हमारा 70 × 70 × 10। ओके, और इसका जो हमारा एरिया है हमारा 1302, और एट द रेट कितने वजन के लिए था, ये था आपका 10.2 kg। ओके, इस वजन के लिए हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिजाइन। ओके, चलिए दोस्तों, अब इसमें हम आर मिनिमम देख लेते हैं हमारा आर मिनिमम कितना प्राप्त हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आर मिनिमम देख लेते हैं, ये जा रहा है आपका
ये रहा 70 × 70, ये एरिया दोस्तों आपका आर मिनिमम, आर मिनिमम ये एरिया दोस्तों आपका 13.5। ओके 13.5 लेना है आपको आर मिनिमम 13.5। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें करने जा रहे हैं बहुत अच्छी एक ट्रिक लगाएंगे जिससे कि हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए मिनिमम आर मिनिमम मतलब कम। ओके ये वैल्यू ये रही। ओके दोस्तों कितनी है हमारी 13.5। और ये दोस्तों एमएम में लेंगे, याद रखना। ये दोस्तों ये चिन्ह आप क्या है, रैमटा का चिन्ह है। इफेक्टिव लेंथ कितनी थी हमारी, ये देखिए दोस्तों इफेक्टिव लेंथ है हमारी 1750 एमएम में चेंज करने के बाद 1750 / 13.5। चलिए दोस्तों इसको हम कैल्सी पर चेंज करते हैं, 1750 / 13.5। देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, 129.62। तो चलिए दोस्तों ये हमें याद रखना 180 से कम आना चाहिए, मैंने आपको बताया था 180 से ये कम है। अगर ज़्यादा होता तो ये हमारा जो डिज़ाइन लिया है हमने, ये हमारा ये वाला ये हमारा गलत हो जाता। ओके इसका मतलब हमारा ये सेफ है। तो चलिए दोस्तों रैमटा अब हम रखते हैं इसमें कौन सा, अंडर पोलिशन फॉर्मूला। दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से किसी ने बताया नहीं होगा आपको। ये देखिए दोस्तों 120 129.62 130। ये दोस्तों क्या लिख रहा हूँ मैं ये बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों 129.62 कहने का मतलब ये है दोस्तों, बहुत ही आसान सिंपल हार्ड नहीं है। 129 किसके बीच में आ रहा है, एक तो 120 ओके और 130, इन दोनों के बीच में ये जो क्रम्स आपका ये नंबर्स है ये आपका अटैच कर रहा है। ओके तो दोस्तों ये 129.62 हमें निकालना है किसके लिए, 120 और 130। अब ये हमको पता नहीं कहाँ से मिलेगा तो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ये आपकी टेबल, आपको जाना है यस कोड पे, मैं यस कोड आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये आपकी टेबल, आपको इसमें ढूंढना है 120 और 130 के लिए। 120 यानी कि 250 के लिए ये आपका 64, ये देखिए दोस्तों ये आपका 64 120 और 130 के लिए है आपका 57। ओके दोस्तों इसमें हम अंतर देखते हैं 64 और 57। तो चलिए दोस्तों इसमें हम एक फॉर्मूला रखते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से 102 बार में आप कर लोगे। तो देखिए दोस्तों कितना था हमारा, 64 - 64 - 57। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा यश टेबल में। तो दोस्तों इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना है ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 120 और 130 के बीच में कितना है, 10 का डिफरेंस है। ओके और दोस्तों ये देखिए लास्ट ये जो है आपका 120 और 129 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9.62। ओके तो 9.62 रख लेंगे यहाँ पे हम। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ये मैं आपको अच्छे से करा देता हूँ कैलकुलेशन करा के। ये देखिए दोस्तों पहले इसको हम हल करेंगे 64 / 57। कमेंट बॉक्स में भी आया था सर आप कैलकुलेशन करा के दिखाया करो, ऐसे भी ऐसे मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए 64.57 64 - 57 यह आया आपका 7 / 10
ये आया आपका 0.7, ये देखिए इंटू 9.2, ये आया आपका 6.4, ओके 64 माइनस 6.44, ये आया आपका 57.56, ओके दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हमें एक कंडीशन दे रखी थी, अब देखिए दोस्तों कंडीशन क्या है, ये आपको क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, ये देखिए ये लिख रहा 0 पर एक एक रिबिट, ओके समझ रहे हो आप, 0 पर एक एक रिबिट से जोड़ा गया है, ओके। तो दोस्तों एक एक रिबिट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही सिंपल है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक रिबिट के लिए आपके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ये देखिए ये आपको मिलेगा बुक की, ये आपको बुक के मिलेगा पेज नंबर 151 पर, ओके। तो देखिए दोस्तों आपको दिखा रखा है कोणीय एरिया, औसत कोणीय, ओके। तो ये दे रखा है आपको प्रत्येक सिरे पर एक रिबिट या वोल्ट, ओके। इसकी जो लेंथ है इफेक्टिव लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और जो इसका सिग्मा एसी है वाला सिलेंडर ने एसी, इसमें ये आपका चेंज होगा, ये जो है देखिए 0.8, और जैसा मैंने आपको बताया था अल्मीनियम ये 180 से कम होना चाहिए, ओके हमारा सही था जो डिज़ाइन था हमारा, यह है हमारा 0.8, तो इसको हम रख लेंगे, ओके दोस्तों। तो 1 रिविट, ओके, तो कितना है हमारा 57.56 ये इंटू 0.8, ओके। अगर दोस्तों इसमें दो दो रिविट दे देता तो आपने जो इफेक्टिव लेंथ निकाली है वो वहाँ पर जाके चेंज हो जाता आपको, ओके। ये देखिए 57.56 इंटू 0.8, ये देखिए 46.048 आ रहा है आपका, ओके। तो चलिए दोस्तों हम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला रख लेते हैं, स्ट्रेंथ बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो दोस्तों स्ट्रेस दे रखा है आपको, ये देखिए कितना आया हमारा 46.048, ओके। और एरिया जो है हमारा, एरिया हमको लेना है टेबल वाला, टेबल में कितना एरिया है हमारा, ये देखिए 1302, यही वाला लेना है, ना कि हमको जो पहले दे रखा है वाला, ओके ये वाला लेना है, कितना है 1302, तो 1302 हम रख लेते हैं 1302। तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं एकदम फटाफट, 46.048 इंटू 1302, तो देखिए दोस्तों ये आया आपका 59,954.49, इसको हम कर लेते हैं किलो न्यूटन में चेंज, ये आपका न्यूटन में, इसको किलो न्यूटन में 1000 से भाग कर देंगे 1, 2, 3, तो ये आया आपका 49.954 किलो न्यूटन, ओके दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। और हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये देखिए डबल के लिए जो मैंने बताया था आपको, जहाँ 0.8 हमने सिंगली के लिए लगाया है, अगर हमको डबल के लिए दे देता जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था, तो दोस्तों हम वो जो चेंज करते वो हम यहाँ पे चेंज कर लेते दोस्तों, ये हमारा इफेक्टिव लेंथ है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते 1750 को हम 0.85 से चेंज करके जो आती संख्या उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया लेना पड़ता, ओके उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप इससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और दोस्तों आप लाइक करके नहीं जाते हो जिससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप भी मेरे लिए सहयोग करिए, लोग अपने दोस्तों से कहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर कराइए, और दोस्तों मैं आपके लिए और टाइम निकालूँगा। तो चलिए दोस्तों
ये आपकी कंप्रेशन मेंबर की यूनिट हो गई है कंप्लीट। और इससे रिलेटेड आपको अगर न्यूमेरिकल और पूछने हैं तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने इसको इस यूनिट में आपको स्ट्रेंथ भी निकालनी सिखा दी है, डिजाइन भी कराना सिखा दिया है। ओके दोस्तों, और इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल आपको बुक में दे रखे हैं, और इससे भार नहीं आएगा आपका, इसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर दें, सिविल इंजीनियर स्टडी पर जाकर इसको लाइक एंड शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, अभी के लिए इतना ही। ओके बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।